वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो जॉब रिलेटेड वीडियो रहेगी, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जेके एससीईआरटी की तरफ से बहुत सारे जॉब्स निकले हैं, जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब्स, इसके अलावा डायरेक्टर की जॉब्स, इसके अलावा मास्टर की जॉब्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स निकली है। ये जो जॉब्स है, ये मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब्स है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इन जॉब्स के लिए, इसके अलावा किस किस डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो जम्मू से हो या कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किस किस डिपार्टमेंट में जॉब निकली है, इसके अलावा आपका जो पे स्केल है वो क्या रहेगा, इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए इस जॉब के लिए। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके अलावा ये जो जॉब रिलेटेड वीडियोस है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई यूथ जो है वो इन जॉब्स से फायदा हासिल कर सके। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले आपको एक लिंक दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां एक नोटिफिकेशन होगी। नोटिफिकेशन में सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो बताता है कि कैंडिडेट्स जो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है वो खाली विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म जो है वो वहां पे अप्लाई कर सकता है। गूगल फॉर्म को कैसे फिल करना है, गूगल फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, इसके अलावा जो भी डिटेल्स आपने देनी है वो सब हम आपको लेटर ऑन इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताया जाएगा कि पोस्ट्स कितने निकली है। जैसे कि जेके एससीईआरटी सेंट्रल एंड रीजनल ऑफिस में यहाँ पे 2 पोस्ट्स निकली है, एक जम्मू के लिए, एक कश्मीर के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर की 6, एसोसिएट प्रोफेसर की 7 पोस्ट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर की 17, इसी तरह सीनियर एकेडमिक ऑफिसर की 6 पोस्ट्स, एकेडमिक ऑफिसर की 80 पोस्ट निकली है, ईटीओ की 1 पोस्ट निकली है, स्क्रिप्ट राइटर की 2 पोस्ट निकली है। इसके अलावा जो जेके एससीईआरटी एसोसिएटेड डाइट ऑफ जेके यूटी है, वहां पे जो आप देख सकते हैं कि जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो है वो जॉब निकली है, चाहे वो मास्टर लेवल की जॉब हो, लेक्चरर की जॉब हो, एचओडी की जॉब हो या प्रिंसिपल की जॉब हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कश्मीर में हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हर एक जो जॉब है वो यहाँ पे निकली है। दैट मीन्स अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे जो है वो 3 पोस्ट्स निकली है। आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए अलॉन्ग विद बीएड डिग्री। इसके अलावा शुड बी लेस देन 57 ईयर होनी चाहिए। जो आपको यहाँ पे स्केल रहेगा वो आपको रहेगा 78,800 टू 2,09,200। इसके अलावा टोटल पोस्ट जो है वो 3 यहाँ पे है, कश्मीर के 1 है, सेंट्रल ऑफिस के लिए 1 पोस्ट निकली है। इसके अलावा जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेसर पोस्ट जो है वो निकली है 6 पोस्ट, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जो पे स्केल है वो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह जो बाकी जॉब्स है, जैसे यहाँ पे बाकी जॉब्स का भी दिखाता है, आप यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी पे स्केल है या किस डिवीजन में आप पढ़ते हो, वहां पे कितनी पोस्ट्स है, वो आप इस नोटिफिकेशन के जरिए देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में हम आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप डायरेक्ट वहां पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एकेडमिक ऑफिसर की 80 पोस्ट निकली है, वहां पे अगर आपका मास्टर डिग्री है ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, लैंग्वेजेस, एजुकेशन, कॉमर्स या स्पेशल एजुकेशन, इसके अलावा आपका जो यहाँ पे बीएड है वो कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो पे स्केल है वो 52,700 टू 1,66,700 तक रह सकता है।
आप इस नोटिंग के जरिए खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बताता है डिवीजन ऑफिस जम्मू में, ये आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, एचओडी, लेक्चरर, मास्टर टीचर। उसके बाद आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे कश्मीर के लिए भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी या आप डायरेक्ट अपने ब्राउजर में jkeducation.gov.in कर सकते हैं। वहां पे आपको ये जो यहां पे लिंक है एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंट पोजीशन इन JNKSCERT, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट हम आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आपने डायरेक्ट उस अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा गूगल फॉर्म जो है वो ओपन होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका नाम क्या है, आपका पेरेंटेज क्या है, उसके बाद आप डेजिग्नेशन क्या है, आपकी DOB क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, फिर आपने देना है प्रेजेंट एड्रेस क्या है आपका, उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद आपने प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग देनी है, क्वालिफिकेशन देनी है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है वो आपको यहाँ पे देनी है कि आपकी एक्सपीरियंस कितने साल की है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज अगर आपके पास है वो देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी देनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है, जैसे जो आपका 10th का मार्क्स कार्ड है वो आपने यहाँ पे ऐड फाइल करनी है। आपने यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करना है। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम डिवाइस कर सकते हैं। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा अपलोड 1 of 1। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा 10th मार्क्स कार्ड। इसी तरह आपने यहाँ पे 12th का जो मार्क्स कार्ड है वो करनी है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन आपने करी है उसका जो मार्क्स कार्ड है वो आपने यहाँ पे ऐड फाइल करनी है। उसी तरह सेम PG की जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। इसी तरह यहाँ पे जो जिस फील्ड पे भी स्टार है दैट मीन्स ये मैंडेटरी है। जहाँ पे जो BEd है वो मैंडेटरी है इसके लिए, दैट मीन्स आपने यहाँ पे जो BEd की डिग्री सर्टिफिकेट है वो ऐड करनी है। अगर आपके पास MEd है वो यहाँ पे ऑप्शन है, आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स इन एक्सेल शीट, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक एक्सेल शीट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको उस पर लिखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे एग्जाम पास आपने कौन सा किया है, यूनिवर्सिटी क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है। आप डायरेक्ट अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है आप वहां पे MS एक्सेल दे सकते हैं और आपको एक ऐसा एक्सेल शीट ओपन होगा जहां पे आप ऐड कर सकते हैं कि जो भी आपको फील्ड ऐड करने हैं। या अगर आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन आती है ऑफिस OFFICE में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहां पे अगर आपको गूगल डॉक्यूमेंट बनाना हो, प्रेजेंटेशन बनानी हो या एक्सेल शीट आपको बनाना हो वो आप उसमें बना सकते हैं। आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिपार्टमेंट। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे फील्ड देना है वो जैसे देना है कि एग्जाम पासवर्ड, आपने कौन सा एग्जाम पासवर्ड किया है। यहाँ पे जो बताता है आपने यहाँ पे देना है कि जैसे अगर आपने BEd किया है, MEd किया है वो आपने यहाँ पे इस कॉलम के नीचे लिखना है। उसी तरह कितने मार्क्स आए हैं, जो भी आपको यहाँ पे जो फील्ड है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट एरिया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है। उसके बाद ये जो एक्सेल की जो फाइल है आपने इस फाइल को सेव करना है। उसके बाद सेव करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करना है। इसी तरह यहाँ पे आपको नेक्स्ट में बताता है कि अपलोड डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड शीट्स। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस रिलेटेड बताना है। अगर आपने इससे पहले कहीं पे जॉब करा है आपने उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। उसी तरह एक्सेल शीट में पोस्ट, कौन सी पोस्ट, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वहाँ पे आपका जो पे था वो कितना था, इसके अलावा क्या आप टेम्पोरेरी या रेगुलर वहाँ पे करते थे वो आपने बताना है। उसके बाद जितने भी आपने अभी तक जॉब्स करी है वो सब आपने इस एक्सेल शीट में फिल करके यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, ये मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे आपने यहाँ पे मैंडेटरी ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ऐड फाइल, दैट मीन्स जब तक जो भी मैंडेटरी फील्ड है जब तक आप वो यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे तब तक जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। इसमें कोई भी फी नहीं है। अगर आपको किसी भी एजेंसी की तरफ से आया कि इसमें आप फी पे करें तब जाके वो एजेंसी जो है वो फेक होगी। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। ज्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।